ये क्वेश्चन दिया गया था ना सर, ये बच्चे लेफ्ट है, ये क्या है आपका वेज है, इस पर एक ब्लॉक रखा गया है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है। मान लो लिफ्ट आपकी ए एक्सेलरेशन से जा रही है, ठीक है, ऊपर की ओर। अब आपको बताना है कि इस केस में, एसी ऑन कर लो, एसी में क्यों रहेगा, लाइट नहीं है, क्या पता करना है आपको इस वेज के रिलेटिव इस एम ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये फाइंड करना था ना। अरे क्या फाइंड करना था, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है, किसी का आया है, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस कर दिए हैं कुछ लोग, किसी का आया है, कहते रहते कोई डाउट नहीं है, इससे पहले तो हंसी आ रही थी आपको, इसी के चेहरे पर मुझे कुछ थोड़ा सा डिस्ट्रेस दिखता ही नहीं, ये अच्छी बात नहीं, मैं दुखी नहीं देखना चाहता किसी को, पर इसका मतलब तुम सीरियस नहीं हो भाई, क्वेश्चन नहीं आया है तो तुमको परेशान होना चाहिए उसके लिए, हंसी तो आनी नहीं चाहिए, कैसे हुआ, घटिया एटीट्यूड है तुम लोगों का, किसी ने ट्राई किया था, ईमानदारी से बताना, ट्राई भी नहीं किया होगा, मैं बताऊंगा नहीं इस क्वेश्चन को, करके आना तब बताऊंगा, अदरवाइज नहीं बताऊंगा। करना इसको सॉल्व, देखो अगला बता रहा था, आज बच्चों आज पढ़ेंगे वेज, सॉरी कंस्ट्रेंट मोशन, नहीं डाल लो कंस्ट्रेंट मोशन, हर एक जो क्वेश्चन देता हूं उसका मीनिंग होता है, मैं रोज एक घंटे डेढ़ घंटे आपके एक घंटे के लेक्चर के कम से कम डेढ़ घंटे पढ़कर आता हूँ, ऐसा नहीं मुझे आता नहीं है, बट मैं मेहनत करता हूँ, तुम लोग उतना भी मेहनत नहीं करते यार, जो आपके लिए एक क्वेश्चन लेता हूँ लिखता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए मैं 50 क्वेश्चन छाटता हूँ कम से कम, 49 को इग्नोर करता हूँ, वो क्वेश्चन जो सबसे तुमको अच्छा सिखाएगा कंसेप्ट वो चूज करता हूँ, बट वो भी नहीं करोगे तो मैं, जब नहीं करोगे तो मैं नहीं कराऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि उस मेरे कराने सिलेक्शन तो होगा नहीं, करके आए हो मत तुम निकल, हाँ कंस्ट्रेंट मोशन, देखो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, अरे हिंदी तो बता दो, इंग्लिश कुछ तो, कुछ तो पता होगा, 8वां 10वां पास हो, क्या होता है कंस्ट्रेंट का मतलब, हाँ हाँ बोलो, हाँ कंस्ट्रेंट मतलब क्या हुआ आपका, अवरोध, रुकावट, ये मोशन पढ़ चुके हो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक क्या है बी, आप इसको मूव कर रहे थे, क्या दोनों ब्लॉक फ्री टू मूव है, क्या दोनों ब्लॉक फ्री टू मूव है दोस्त, बताओ क्यों नहीं फ्री टू मूव, हाँ एक ही डायरेक्शन मूव कर सकते, अलग अलग क्यों नहीं मूव कर सकते, हाँ स्ट्रिंग से अटैच नहीं है बच्चों, अरे स्ट्रिंग से अटैच है इसलिए क्या है, दोनों बाध्य है, गठबंधन हुआ इनका, अरे दोनों क्या है बाध्य है दूसरे के साथ चलने के लिए, अकेले अकेले थोड़ी चल सकते हैं बच्चों, मन की मर्जी के मालिक नहीं है, तो ये क्या हो गया है कंस्ट्रेंट मोशन हो गई कि नहीं हो गई, अरे हो गई ना, आप कॉमन सेंस से कहते हो सर इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ये किससे कहते हो, कॉमन सेंस से कहते हो कि नहीं कहते, तुमने कोई मैथमेटिकल प्रूफ पढ़ा है, क्यों सेम रहता है एक्सेलरेशन, ये
हाँ मैं समझ रहा हूँ। मान लो किसी पर्सन को कॉमन सेंस नहीं है, उसको सिर्फ मैथमेटिक्स आती है, क्यों सेम है? क्यों सेम है? क्यों है? हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं। मास नहीं, मास डिफरेंट मान लो, एक 10 का मान लो, 20 का मान लो। हाँ सेम का मतलब क्या हुआ? हाँ मैं स्प्रिंग लगा दूं अभी, अभी साथ साथ मूव करेंगे। हाँ क्या कह रहे हो? स्ट्रिंग सेम है, तो स्ट्रिंग में क्या खास बात है? मैं स्प्रिंग लगा दूं अभी साथ साथ मूव करेंगे। हाँ अरे यस या नो? हाँ कभी लिखा देखा है? क्वेश्चन करे होगे ना एक दो? अरे क्वेश्चन किया होगा ना? कभी वर्ड लिखा है इनएक्सपेंसिबल लिखा हुआ? ये वर्ड इनकाउंटर किया है? जब नहीं किया होगे क्वेश्चन तो नहीं इनकाउंटर किया होगा। इनएक्सटेंसिबल का मतलब, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में बताओ? जो इसका एक्सटेंशन ना हो सके। स्ट्रिंग क्या लेते हो आप? मासलेस लेते हो। जहां पर देखो, जहां पर क्वेश्चंस होगा, जहां पर स्ट्रिंग मासलेस लिखी होगी, वहां पर एक वर्ड और लिखा होगा, ये भी वर्ड लिखा होगा। देखो क्वेश्चंस में, जहां पर लिखा होगा स्ट्रिंग मासलेस है, वहां पर ये भी वर्ड लिखा होगा इनएक्सटेंसिबल। किसी को मिला? हाँ शुरुआत में देखो, जहां पर लिखा होगा स्ट्रिंग मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। कहाँ? कहाँ? कौन से पेज? 22। हाँ लिखा है ना? हाँ इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है? मतलब इसका एक्सटेंशन नहीं हो रहा, मतलब लेंथ इसकी क्या है? फिक्स है। अरे लेंथ क्या है बच्चों? फिक्स है। अच्छा खुद सोचो, स्ट्रिंग का ये एंड सोचो, ये एंड मान लो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट जा रहा है नहीं जा रहा? और ये भी किधर जा रहा है बच्चों? राइट जा रहा है v2 वेलोसिटी से। या ऐसा सोचो, मान लो ये x1 मूव किया, ये कितना मूव किया? अरे इसका डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? x2। अगर सोचो x1 x2 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? मान लो x1 बड़ा हो गया बच्चों x2 से, तो क्या होगा स्ट्रिंग के साथ? क्या होगा? हाँ अरे होगा क्या? क्या होगा भाई बोलो तो? हाँ टूट जाएगी, कंप्रेस नहीं हो जाएगी, स्लैक पड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? स्लैक पड़ जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। नहीं ढीली पड़ जाएगी भाई, ये इन ज्यादा तेजी से मूव किया। अगर मान लो बच्चों X2 बड़ा हुआ X1 से, तो क्या होगा? अभी क्या होगा? अरे क्या होगा भाई? अभी ब्रेक हो जाएगी? नहीं हो जाएगी बच्चों। और इस केस में क्या होगा? स्लैक पड़ जाएगी। ना तो स्ट्रिंग ब्रेक हो सकती है, ना तो स्लैक पड़ सकती है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? X1 इक्वल टू क्या होगा? X2। अच्छा डिस्प्लेसमेंट का मैं डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा? V1 इक्वल टू क्या आएगा? और A1 क्या आएगा इसका? और एक बार डिफरेंशियल करूं भाई, वेलोसिटी का डिफरेंशियल क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो इसलिए कहते थे, क्यों? इंपॉर्टेंट वर्ड आए नहीं है बच्चों? इनएक्सटेंसिबल मतलब इसकी ना तो लेंथ घट सकती है, ना तो बढ़ सकती है। इसकी लेंथ क्या है? फिक्स है। ये है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, इसी की वजह से दोनों क्या मूव कर रहे हैं? साथ साथ मूव कर रहे हैं। अरे आ रही बात समझ में? इसी की वजह से साथ साथ मूव कर रहे हैं ना। मैं स्प्रिंग लेता तो क्या होता?
क्या ये इनएक्सटेंसिबल है क्या? नहीं, इसकी लेंथ कंप्रेस भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, तो ये इनएक्सटेंसिबल नहीं है। इस केस में ये नहीं होगा, इस केस में आप a1 इक्वल टू a2 नहीं लिख सकते, आप नब जाओगे अगर लिख दोगे तो। ऐसा क्वेश्चन है हमारे साथ, इसमें होगा, अभी कराऊंगा मैं आपको, होमवर्क दे दूंगा या होमवर्क नहीं दूंगा तो एग्जाम में दे दूंगा, ठीक है। अगर आपका अगर स्प्रिंग लगा दो तो जरूरी थोड़ी दोनों का एक्सटेंशन सेम हो, दोनों का एक्सलेशन सेम हो, कतई पॉसिबल नहीं है, आप खुद सोच के दे सकते हो। अरे जरूरी है ही नहीं कि दोनों का एक्सलेशन सेम हो। अरे अरे बात समझ में, जब आप यहाँ पर स्ट्रिंग लगा रहे हो तभी ये पॉसिबल है। इसी क्या कहते हो आप, स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हो, स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्या है स्ट्रिंग कांस्टेंट, कॉमन सेंस है, क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्या है आपका कांस्टेंट, सिंपल सी बात। अरे कोई नई बात थोड़ी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। अच्छा कोई चीज कांस्टेंट है, तुमने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है तुम लोगों ने, क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बताओ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होता है, कांस्टेंट, इन एब्सेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस, ये पढ़ा है ना। मान लो किसी ब्लॉक को बच्चों किसी बिल्डिंग से फेंके, ठीक है ना, ओके, क्या नाम है तुम्हारा दोस्त, हाँ आर्यन, आर्यन यही है, हाँ है तो वही ना, इसको भी वही प्रॉब्लम, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। मान लो आयन भाई तुम कूद गए छत से, ठीक है ना, आयन सिंह छत से, तो नीचे पर जाओगे तुम्हारी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, क्यों आई काइनेटिक एनर्जी, क्यों आई भाई आयन के पास चार्ज, काइनेटिक एनर्जी क्यों आई इसके पास। अरे भाई यहां पर था कुछ हाइट पर था कि नहीं था बच्चों, एमजीएच हाइट पर, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी आपकी, एच हाइट पर, एमजीएच थी। अब यही जब ग्राउंड पर गया तो किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। अरे यही ग्राउंड पर गया किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या लिखते हो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में कमी कितनी आई ग्राउंड पर। अरे भाई ग्राउंड पर तो जीरो हो गई ना पोटेंशियल एनर्जी, कितनी आई कमी आई, एमजीएच आई ना। अरे भाई पहले तो एमजीएस थी, ग्राउंड पर पहुंचे कितनी हो गई, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कम हुई ना इतने, अरे कितना कमी हुई, एमजीएच कमी हुई कि नहीं कमी हुई। अगर ये कमी हो ही जाती, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, सोचो एनर्जी का लॉस हो जाता, नहीं हो जाता बच्चों। मान लो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आती, सोचो एनर्जी का लॉस हो तक नहीं होता भाई। पहले भी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी थी, नीचे पहुंचा ना तो पोटेंशियल एनर्जी ना तो काइनेटिक एनर्जी, बट नीचे क्या होगा, अरे यही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो जितना काइनेटिक एनर्जी घटी, सॉरी जितना पोटेंशियल एनर्जी घटी उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो कंपनसेट कर दी नहीं कर दिया बच्चों, यही इसीलिए क्या कहते हैं इसको, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय किया सी ना तो प्रोड्यूस किया सकती, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी किसके फॉर्म में ट्रांसफर हुई, अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म से किसमें ट्रांसफर हुई, काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी है वो किसके बराबर हो गई, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज के बराबर हो गई। ये बच्चों कंजर्वेशन का बेसिक कंसेप्ट है, ये हमेशा अप्लाई होगा, एक ही एक में कमी आ रही है, ठीक है ना, दूसरे में क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहां पर देखो मैं ये क्यों बता रहा हूं कि मैं चीजों को लिंक करता हूं ना, वे चीजें कम क्यों दिखाई देती हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं चीजों को लिंक करता हूं। अब यहां पर सोचो स्ट्रिंग की लेंथ क्या है बच्चों, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वाला कंसेप्ट वर्क तो करेगा। अब सोचो यहां पर जो बच्चों मान लो एंड है, इसकी वेलोसिटी क्या है v1, ये स्ट्रिंग की ओर जा रहा है नहीं जा रहा, ये वाला एंड, अगर ये सोच लो रेस्ट में आ जाए तो ये क्या करेगा, ए स्ट्रिंग की लेंथ तो घटाएगा बढ़ाएगा, घटाएगा, इसको इमेजिन कर लो रेस्ट में, तो ये क्या करेगा बच्चों, घटाएगा नहीं घटाएगा, ये जितना घटा रहा है
ये वाला बच्चा देखो, अब इसको रेस्ट में मान लो, ये इधर जा रहा नहीं जा रहा V2 से, अरे जा रहा है। ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ को घटा रहा है बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, तो जितना ये घटाएगा उतना ही दूसरा क्या होगा, बढ़ाएगा, इसलिए क्या होगा आपका V1 इक्वल टू V2 हुआ। अरे आ गई बात समझ में? तो नेट वेलोसिटी देखो, अगर स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, इसको ऐसा भी समझ सकते हो, V1 को क्या लिया बच्चों मैंने, निगेटिव ले लिया, क्यों? क्योंकि लेंथ को क्या कर रहा था बच्चों, घटा रहा था, और V2 क्या कर रहा था बच्चों, बढ़ा रहा था, तो इसको क्या ले लिया मैंने, प्लस V2। क्या नेट वेलोसिटी होगी स्ट्रिंग के अलोंग? नहीं, नेट वेलोसिटी होगी तो स्ट्रिंग या तो स्लैक पड़ जाएगी या तो ब्रेक हो जाए, तो नेट वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा, जीरो। तो V1 किसके बराबर होगा, V2 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, फॉर स्ट्रिंग ऑफ कॉन्स्टेंट लेंथ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा आपका, जीरो। नेट वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा, जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा बोलो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अरे वेलोसिटी अगर जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आया होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, एक्सलेशन कितना होगा, वो भी जीरो होगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट वेलोसिटी, नेट एक्सलेशन तीनों क्या होंगे, जीरो होंगे। अब कोई भी आ सकता है क्वेश्चन में तुमसे, तुमसे आ सकता है डिस्प्लेसमेंट पूछने का कितना होगा, वेलोसिटी पूछने का कितना आ सकता है, ठीक है ना, एक्सलेशन भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। ये सबसे सिंपलेस्ट है बच्चों कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है ना, अभी आपको भारी भारी दूंगा। अरे आ रही बात समझ में, अरे आ रही बात समझ में बच्चों? तो कंस्ट्रेंट मोशन आया समझ में, क्या होता है, क्या होता है, जब बॉडी फ्री टू मूव नहीं हो। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या होता है, अरे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या होता है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती है, कॉन्स्टेंट, ये है बस। ये तो नेट वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग जीरो होगा, ये कहां से आया था, कहां से आया था भाई, नेट वेल जो स्ट्रिंग की लेंथ क्या है आपकी, कांस्टेंट है, उसी से तो आया था ना, अरे उसी से तो आया था ना बच्चों। अरे आ रही बात समझ में, ठीक है ना, तो लिख लो, हेडिंग डाल लो कांस्टेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन लिखो, व्हेन बॉडीज आर मूविंग सच इन सच वे दैट, व्हेन बॉडीज आर मूविंग इन सच वे दैट दे आर नॉट फ्री टू मूव, दे आर नॉट फ्री टू मूव इंडिपेंडेंटली, दे आर नॉट फ्री टू मूव इंडिपेंडेंटली, देन सच मोशन इज कॉल्ड देन सच मोशन इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन, देन सच मोशन इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। ये डायग्राम बना लो, एग्जाम्पल में लिख लेना, एक तो ये वाला हो गया ना बच्चों, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये किससे अटैच है बच्चों, स्ट्रिंग से अटैच है। अच्छा ये भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुमने, अरे मानते नहीं मानते बच्चों, ये वाला, ये भी तो क्या था तुम्हारा, कंस्ट्रेंट मोशन ही था ना, आउटवर्ड मशीन, अरे एक जितना ऊपर जाएगा उतना दूसरा नीचे जाएगा, क्यों, अदरवाइज क्या होगा, स्ट्रिंग या तो स्लैक पड़ जाएगी या तो ब्रेक हो जाएगी, जाहिर सी बात है। एक और होता है बच्चों, ऐसा देख लो, ये भी कंस्ट्रेंट मोशन है, एक मिनट सोचो, क्यों कंस्ट्रेंट मोशन है, क्या ये भी आराम से इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, नहीं। अच्छा कंस्ट्रेंट क्या है बच्चों, हाँ सोचो, अगर ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी बी से, ए बी में घुस जाएगा, अगर बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो अलग हो जाएगी दोनों, तो ये भी क्या है बच्चों, कंस्ट्रेंट मोशन है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं भी, ठीक है। अरे हो गया ना बच्चों, इसको वेज कंस्ट्रेंट बोलते हैं, इसमें स्ट्रिंग तो इन्वॉल्व है नहीं, ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जांपल हो गए, कंस्ट्रेंट मोशन के। इसमें पहला लिखो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट,
लिख लिया। पहला लिखो इसमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या है बताओ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कॉन्स्टेंट, बस यही है। तुमको छोटी बात लग रही होगी बट है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कॉन्स्टेंट। ब्रैकेट में क्या लिख लेना, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ब्रैकेट में क्या लिख लेना, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। जब भी वर्ड आए हर चीज का देखो, फिजिक्स में हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस होता है, एक छोटा वर्ड इतना ज्यादा ठीक है ना काम बना सकता है आपका, बिगाड़ सकता है। स्ट्रिंग, अरे आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखो इसमें लिखो स्टेप्स, कैसे बच्चों हम इसको करते हैं, ठीक है। अब ये स्टेप्स मैंने खुद बनाया, किसी बुक में या कॉपी में मिलेंगे नहीं, ठीक है। और ये 100% लागू है, किसी पर भी लागू है, नहीं लागू होगा तो मैं हरिद्वार छोड़ कर जाऊंगा, ठीक है। लिखो, और सबसे सिंपलेस्ट है, लिखो पहला स्टेप बच्चों, लिस्ट ऑल द पॉइंट्स ऑन स्ट्रिंग। पहले लिखो लिस्ट ऑल द पॉइंट्स ऑन स्ट्रिंग, ऑल द पॉइंट्स ऑन स्ट्रिंग व्हिच आर इन स्ट्रेट लाइन, व्हिच आर इन स्ट्रेट लाइन मतलब इन, ठीक है ना, इस मतलब ऐसा समझ सकते हो इसको, शायद मैं क्लियरली वर्ड नहीं कर पाया इसको, मतलब जो स्ट्रेट लाइन के इन पॉइंट्स है ना आपको उसको मतलब करना है, ठीक है ना।
एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी अभी अभी भी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है दोस्त? हाँ जी सर आ रही है। अभी आ रही है? यस सर आ रही है। इसके कितनी देर से गायब थी? तब 3 2 3 5 मिनट हो गए। अरे यार 5 मिनट हो गए, तुम बताया ही नहीं, बैठे हो। प्रियांश कितनी देर से गायब है? प्रियांश यार 2 मिनट तो बहुत होता है, तुम लिखे ही नहीं हो उसके। मतलब स्टेप्स लिखे कि नहीं लिखे? तुम लोग स्टेप्स लिख जो लिखवाए लिखे कि नहीं लिखे? सर बस पहला वाला लिखा हुआ है। पहले वाला लिखा है यार, बोलना चाहिए था ना यार। ये मैं थोड़ी बताऊंगा तुमको कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए। उस तरह तो क्लास में बैठकर बहुत बोलते हो। कहां तक लिखा था? पहला स्टेप, लिस्ट ऑल द पॉइंट्स ऑन लव। लिखो, पहला पॉइंट लिख लिया ना, लिस्ट ऑल द पॉइंट्स ऑन स्ट्रिंग व्हिच आर इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेख लिख लिया ना। दूसरा, असाइन द वेलोसिटीज इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या हो? असाइन द वेलोसिटीज इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, लिख लिया। यस सर। तीसरा, इफ वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग इज इंक्रीजिंग, if velocity component सर आपकी आवाज नहीं आ रही। velocity component along the string, पहली बात। यस सर यहाँ तक। अभी आ रही है? यस सर आ रही है। ये फिर वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग इज इंक्रीजिंग इट्स लेंथ देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव, अदरवाइज इट इज टेकन एज नेगेटिव। यस सर। ठीक है, देखो, नेट वेलोसिटी ब्रैकेट में लिख लेना डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। नेट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग इज जीरो, अलोंग द स्ट्रिंग इज जीरो। लिख लिया? यस सर। लास्ट लिखो, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इक्वल टू नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट रिलेशन। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इक्वल टू नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट रिलेशन। लिखा? यस सर। देखो बच्चों क्या करना है इसमें, इसमें कंस्ट्रेंट रिलेशन मुझे पता करना है, दोनों को बाहर करूंगा।
क्या लगता है तुम्हारे ऐसे स्टूडेंट मैंने नहीं देखे 100 नंबर से ऊपर नहीं जाएगा ये इंक्लूड रहा क्या है बताओ पहले से बताओ हाँ बताओ बालिका जी तुम्हें बोल रहा हूँ हाँ बताओ हाँ कौन कौन से पॉइंट्स हाँ चलिए कौन सा पॉइंट ये हो गया गिविंग पॉइंट और कौन सा टू के ऊपर है बस ये हो गया ना ये स्ट्रेट पार्ट हो गया इससे पॉइंट्स हो गए ये दूसरा स्ट्रेट पार्ट हो गया इसके एक पॉइंट बोल नहीं हो गया बच्चों अरे हो गया अब दूसरा क्या करना है आपको किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी असाइन कर दो उससे मतलब है ही नहीं अब मैं कॉमन सेंस से मान लो कि ये नीचे जा रहा है बच्चों और ये किधर जा रहा है ऊपर मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों x1 और इसका क्या हो गया तो नेट वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग कैनेटिक डिस्प्लेसमेंट अलोंग द स्ट्रिंग नेट एक्सीलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग सारे क्या होंगे जीरो अब देखो ये बच्चों नीचे जा रहा नहीं जा रहा ये वाला है अरे ये कहां पर है बच्चों x1 पर ये 4 केजी पर ही तो है 4 केजी नीचे जा रहा है ये भी किधर जा रहा है नीचे तो इसकी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट को प्लस लेंगे माइनस प्लस अरे भाई लेंथ बढ़ा रहा क्या रहा था बच्चों तो क्या लिखोगे इसको प्लस x1 वन हो गया ना टू पर आते हैं टू बच्चों किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है टू डैश पर है टू फिक्स पुली पर है टू मूव कर रहा है क्या नहीं तो टू क्या हो गया जीरो थ्री का क्या हो गया बच्चों फोर देखो फोर बच्चों अगर ये टू से ऊपर जा रहा है तो फोर भी क्या जा रहा है ऊपर जा रहा है तो बच्चों प्लस जीरो माइनस क्योंकि बच्चे स्प्रिंग की लेंथ क्या कर रहा है घटा रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग स्प्रिंग क्या हो गया जीरो तो x1 क्या आ गया बच्चों x2 आ गया तो a1 किसके बराबर हो गया यार इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो बच्चे क्या आ जाएगा तो v1 किसके बराबर होगा v2 या a1 किसके बराबर होगा a2 के बराबर ठीक है अब देखो अब आप सॉल्व कर रहे देखो ये अंडरस्टूड थी ये थी मेथड को थी तुमको ठीक है ना तुमने इसके बारे में विचार नहीं किया था तेरी मैंने तुमने पहले इसके बारे में सोचा नहीं था पहले ये तुमको कंसेप्ट लेसन चाहिए होगा तुमने मान लिया था ऐसे पर ये कंसेप्ट लेसन तुमको चाहिए होगा उसके बाद तुम लिख सकते हो बच्चों अगर मान लो तुमने कॉमन सेंस नहीं लगाया होता ये तो क्या लिखते हो ये 4G होता नहीं होता बच्चों और ये क्या होता 2G मान लो 4G नीचे मूव कर रहा है तो नेट फोर्स किधर होगा नीचे क्या लिखोगे 4G माइनस टी इक्वल टू क्या होगा क्या होगा बच्चों 4A अभी इसका एक्सेलरेशन क्या है A1 मान लो और ये ऊपर जा नहीं जा रहा बच्चों क्या होगा टी माइनस इक्वल टू क्या होगा 2 into क्या होगा 2 into अगर तुम A1 इक्वल टू A2 भी करते हो अभी कितने बच्चों वेरिएबल है 3 वेरिएबल है 2 रिलेशन सॉल्व ही नहीं होता अरे नहीं सॉल्व होता ना तुमने अज्यूम कर लिया था A1 इक्वल टू क्या बच्चों A2 इक्वल टू क्या मान लो A मान लो तो A1 भी क्या हो गया A हो गया और A2 भी क्या हो गया बच्चों A2 भी क्या मान लिया तुमने A अब सॉल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों तुमने वास्तव में कंस्ट्रेंट रिलेशन का यूज किया था पहले अरे यार ही बात समझ में ठीक है एक तो ये हो गया बच्चों अगर मान लो मेरे पास कॉमन सेंस नहीं है ठीक है ना वैसे मान लो नहीं ऐसे सिचुएशन आएंगी बड़ी सिचुएशन में जब आपको लगेगा कि सर पता नहीं किधर जाएगा और ऊपर है कोई नीचे कोई पता ही नहीं लग रहा मान लो कोई भी सिचुएशन है मान लो मैं मान रहा हूँ कि 4 kg जो है आपका ये ऊपर जा रहा है और 2 kg भी किधर जा रहा है आपका ये भी ऊपर जा रहा है
कैसे पॉसिबल है क्या? नहीं, बट मैं मान लो मैं ऐसा मान रहा हूँ, तो सोचो कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या लिखोगे? अब आपको अंदर पॉइंट बनाने नहीं दिए, यहाँ से शुरुआत करो, प्लस की माइनस रखो, अरे ऊपर जा रहा है माइनस, क्या लिखोगे? माइनस सेवन, और यहाँ पर क्या होगा? जीरो, और यहाँ पर क्या होगा? जीरो, और यहाँ पर क्या होगा? माइनस इक्वल टू जीरो। सेवन क्या जाएगा बच्चों? माइनस एट, इससे कोई चेंज नहीं होगा, मैं क्यों लोग बता रहा हूँ कोई चेंज नहीं होगा, इससे अभी भी आपका आंसर एकदम सही है, ठीक है ना? कैसे सही आएगा? ये ऊपर जा नहीं जा रहा बच्चों, पेंसिल इस पर ऊपर, फोर जी नीचे, ये भी किधर जा रहा है? ऊपर तीन ऊपर, और ये टू जी नीचे। पहले के लिए क्या क्वेश्चन लिखोगे? टी माइनस फोर जी इक्वल टू फोर ए, फोर ए। और दूसरे के लिए क्या लिखोगे बच्चों? टी माइनस इक्वल टू ये लिखोगे ना, ठीक है? अब देखो अभी कंस्ट्रेंट रिलेशन आएगा नहीं आएगा बच्चों? अरे आएगा ना, अभी तो सॉल्व होगा नहीं, हमको तीसरा रिलेशन चाहिए। a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू क्या मान लो आप? a1 को बच्चों आप ऐसा मान लो, माइनस a मान लो, और a2 क्या मान लो? प्लस a मान लो। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना, तो a1 क्या हो गया बच्चों आपका? और a2 क्या हो गया? अरे a2 को बच्चों तुमने क्या माना? प्लस a माना। अरे माना नहीं माना। अच्छा इसी इक्वेशन में ऊपर वाले में दोनों साइड से माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? फोर जी माइनस, यही इक्वेशन पिछली बार बना था, नहीं बना था बच्चों? अरे बना था ना, मतलब कोई सा भी किसी भी डायरेक्शन में तुम मान लो उससे असर नहीं पड़ता, पर जिधर एक्सेलेरेशन मान रहे हो उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखना, नहीं तो एक्सेलेरेशन ऊपर मान रहे हो फिर ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है तो 4g माइनस t इक्वल टू 4a तो नहीं होगा ना। अरे ऊपर तुमने एक्सेलेरेशन माना है तो नेट फोर्स इधर होगा, ऊपर होगा, तो क्या लिखोगे? t माइनस 4b ना कि 4b माइनस t। अरे यार ये बात समझ रहे हो? तो किधर ही माना उससे फर्क नहीं पड़ता, आगे बात समझ में, ठीक है? दोनों नोट कर लो, ये भी नोट करो और अगला वाला। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने एनी पॉइंट लाइन कराया था ना बच्चों? अरे एनी वन पॉइंट लाइन कराया था ना, ठीक है? क्या लिख लिया? पर्दे लगा दो, पर्दे लगा दो, पर्दे ऐसे तीन दो पीछे थे वो वाले हमारे पीछे वाले। भाई
किसी भी डायरेक्शन में एप्लीकेशन वालों उसे अगर नहीं पता कि हिंदी में लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, जो एक्सलेशन मिल जा रहा है जरूरी नहीं, हिंदी में हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सलेशन मान सकते हैं। अरे किसी को बताना थोड़ी है, और यहां से देखो बच्चों k1 equal to minus a2 है नहीं आया, ये कहते रहा इक्वेशन कि पॉसिबल है ही नहीं, a1 और a2 क्या होंगे नेगेटिव होंगे, अरे डायरेक्शन क्या होगा दोनों अपोजिट होंगे, अगर एक ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा नीचे होगा, ये इक्वेशन यही कह रहा है। अरे हर एक क्वेश्चन की भाई ठीक है कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है। बट किसी भी लेवल का आप कर तो दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक तुमने खुली क्या पड़ी थी फिक्स, अभी क्या होगी मूव करेगी, अरे ये वाली खुली क्या करेगी मूव करेगी, मान लो बच्चों ये ए है ये क्या हो गया बी, अब ये भी नीचे मूव कर रहा है और ये भी नीचे मूव कर रहा है, ना इससे पॉसिबल है दोनों मूव करें, ठीक है ना, दोनों में रिलेशन क्या होगा find relation between x and x, ध्यान देना कितने स्ट्रिंग है बच्चों दो है, अरे दो है ना, एक यहां से चलकर कहां है बच्चों यहां पर, फिर दूसरी वाली ऐसे, ठीक है ना, दो स्ट्रिंग है कितने का रिलेशन तो रिलेशन तो है, पहले स्ट्रिंग के लिए लिखो, अरे लिखो तो इस पुली का बच्चों क्या मान लेना तुम, डिस्प्लेसमेंट क्या मान लेना एक्स पी मान लेना, एक्स पी क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, अरे दो रिलेशन बनेंगे ना एक्स पी क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, तो एक्स पी वाले नीचे माना है, अब पहली वाली स्ट्रिंग के लिए लिखो बच्चों कर लो, पहली वाले स्ट्रिंग के लिए लिखो फॉर स्ट्रिंग वन, ऐसे लिखना फॉर स्ट्रिंग वन, क्या लिखोगे क्या लिखा है मेरी विद्या पहले स्ट्रिंग के लिए, अरे यहाँ से शुरुआत करो ना, यहाँ से शुरुआत करो
लिखो। अरे आसान भाई, ये तो पिछला वाला था। पहला पॉइंट बताओ भाई, दूसरी क्या होगा? इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। अरे तो देखो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट नीचे आ रहा नहीं जा रहा? अरे भाई ब्लॉक ये पर ही है, समझ रहे हो? नीचे जा रहा है, स्पिन के लिए तो घटा रहा है बढ़ा रहा है। सोचो ये अगर नीचे जाएगा तो स्पिन के लिए घटेगी बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो क्या लिखूंगी, प्लस से माइनस? हाँ प्लस। बाकी लोग प्लस बोल दिए। ये हो गया, यहाँ पर हो गया ना। उसके बाद कहाँ कहाँ जाओगी, कौन सा पॉइंट लोगी? अरे भाई स्ट्रेट लाइन वाला, यहाँ पर हो गया। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। अरे भाई फिर स्कूली पर है इस पॉइंट का, फिर अगला स्ट्रेट काट ये आ गया, इस पॉइंट का क्या होगा? अब ये पुली पर है नहीं है, पुली नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। पुली का जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, पुली उसको पुली पर आ चलिए। पुली पीछे तो करना पड़ेगा, धन्यवाद। चुप रहो यार, चुप रहो, तो खुशी होगी नहीं ना? ये बताओ ये पॉइंट नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे तो घट रही है, इसमें की बढ़ रही है, तो क्या लोगी, प्लस में? हाँ इतना 10,000 क्या बोल रही है? नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा? क्या होगा? जीरो। तो एक्से क्या हो जाएगा बोलो? माइनस माइनस, एक्स। ठीक है। ओके अच्छा भाई बताओ स्ट्रिंग टू के लिए क्या रिलेशन दिखे? तो मान सो क्या सेम बात होगी यार, कितने बिल्ली को माइनस से क्या असर पड़ेगा इसे? अंश भाई बताओ कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? एक कहीं से शुरुआत करो, जहाँ से शुरुआत हो रहा है ना, कहाँ शुरुआत करें, यहाँ शुरुआत करो, बताओ क्या लिखोगे? प्लस माइनस? हाँ वेरी गुड। क्यों खड़े हो जाओ भाई, राजा नहीं बताओ। हाँ नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ इसमें इंग्लिश बढ़ रही है, थोड़ा तेज हो गया है, रॉन्ग आ गया तुम। हाँ और बताओ ये वाला पॉइंट किस पर है? पुली पर है, तो पुली की हिसाब से जाएगा, तो पुली किधर जा रही है? पुली किधर जा रही है? नीचे। तो ये पॉइंट किधर जा रहा होगा? नीचे। तो स्ट्रिंग के लिए तो घटा रहा बढ़ा रहा होगा, ये नीचे जाएगी, स्ट्रिंग के लिए घटेगी बढ़ेगी? बढ़ेगी, ये नीचे जाएगी। क्या लिखोगे? पुली का जो पुली का होगा डिस्प्लेसमेंट, वही तो इसका भी होगा ना। पुली का डिस्प्लेसमेंट कितना है? पुली का जीरो नहीं है। हाँ तो क्या लिखोगे, प्लस माइनस? माइनस लिखोगे ना, वेरी गुड। क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। यहाँ पर ये स्ट्रेट पार्ट खत्म हो गया, अगले स्ट्रेट पार्ट पर है, ये पॉइंट किस पर है? पुली पर है, तो जो पुली का डिस्प्लेसमेंट होगा वही इसका भी होगा। ये पॉइंट किधर जा रहा है, ऊपर की नीचे? नीचे जा रहा है ना, तो प्लस की माइनस क्या? प्लस होगा। अरे नीचे जा रहा है तो स्ट्रिंग की लेंथ घटेगी बढ़ेगी? बढ़ेगी, ये नीचे जाएगा भाई, घटेगी कैसे? बढ़ेगी कैसे, घटेगी ना। तो क्या लिखोगे, माइनस इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर पहुंच गया, ये पॉइंट क्या है? ये तो फिक्स है, अरे ये तो ग्राउंड पे फिक्स है ना, तो ये पॉइंट नहीं जा रहा है क्या? नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। तो एक्स भी क्या आ गया बच्चों? टू एक्स।
एक्स पी क्या गया 2xp। तो अब एक्सपी को आपको चाहिए नहीं, एक्सपी क्या बच्चों आपका माइनस एक्स लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो एक्सपी क्या आ जाएगा माइनस टू इंटू एक्स, आगे क्या गया, ठीक है ना। इसको देखो ढंग से देखो, इसको पहली बात तो इसको लिखो और ढंग से समझो किया क्या है। हाँ पहले नोट करो, पहले नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करो, साथ नोट कर रहे ऑनलाइन वाले बच्चों, आ रहा समझ में? श्रेय प्रियांश मदन आया समझ में? अरे बोल तो भाई। यस सर। आवाज आ रही ना क्लियर मेरी? सर आ रही आपकी आवाज। हाँ लिख लिया यही कराने का प्रयास कर रहा था, ये प्रूव कराने का प्रयास कर रहा था। किधर भी मान लो बच्चों, ठीक है ना, एक्स भी अगर नीचे जाएगा तो एक्स किधर जाएगा बच्चों, ऊपर। मैंने दोनों को नीचे मान लिया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या आ रहा है बच्चों माइनस का साइन आ रहा है। अगर सोचो मैं एक्स से क्या कर दूं बच्चों में, तो यहाँ पर क्या आता, यहाँ पर भी क्या आता, अरे उसे मतलब नहीं है, मैं कह रहा था किसी भी डायरेक्ट में मान लो। अरे यार ये बात समझ लो, ठीक है। हाँ क्या ये पुली पुली नीचे जा रहे तो पॉइंट नहीं नीचे आएगा। हाँ ऊपर वाली पुली क्या है, ऊपर वाली पुली जा रही है नीचे, ऊपर वाली पुली फिक्स है, तो ऊपर वाली पुली का पॉइंट फिक्स है, नीचे वाली पुली मूव कर रही है, जाइंट वाला पॉइंट मूव करेगा। सोचो पुली नीचे चली गई, पॉइंट ऊपर ही रह गया। अरे काउंटर की सोचा करो। हाँ कौन कौन सी ये नीचे जाएगा कोई लेंथ तो कांस्टेंट कांस्टेंट होगा ओवरऑल। हाँ लेफ्ट वाले कह रहे हो, हाँ इस केस में ये घटेगी नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई कॉमन सेंस ना सोचो, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ तो मैंने गलत वाला नहीं माना, क्यों घट घट सकती है क्यों नहीं घट सकती, अगर ये ऊपर जाता टी नीचे नहीं आता घटती लग, ये घटती इधर वाली जब घटती इधर वाली क्या होती बढ़ती, ये नीचे तो नहीं जाता जितना घटती उधर बढ़ती। अरे ठीक है भाई मैं कह रहा हूं ना उसने कोई मतलब नहीं, तो क्या इधर भी एक्सप्रेशन मान रहे जो तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहे हैं, ये मेरे दिमाग में भी आए होंगे ना, कम से कम मैंने दो सौ तीन सौ क्वेश्चन किए होंगे इसमें, ये भी मैं कह रहा हूँ। अरे ठीक है भाई अरे बात समझ में, तो सब पर ये अप्लाई हुआ है। मैं कह रहा हूँ तुम किधर ही मान लो कांग्रेस से छोड़ दो, किधर ही मान लो किधर जा रहे हैं इससे मतलब नहीं, ये क्वेश्चन कराया था इसीलिए मैंने कराया था ना, दो पार्ट में क्यों कराया, किधर भी एक्सप्लेनेशन मान लो तुमने दोनों को ऊपर मान लिया, ऐसा है नहीं, कॉमन सेंस के अपोजिट है, बट मान लो कि आपको दिक्कत हो क्या, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा।
अरे ठीक है, इसमें भी क्या होगा बच्चों, मैं कह रहा था मैंने गलत बना है, मैं कह रहा था दोनों भाई ऊपर थोड़ी दो नीचे थोड़ी जाएंगी, एक नीचे आएगा दूसरा ऊपर आएगा, मैंने दोनों को नीचे माना, मैं देखो कितनी सुंदर है, उसने कह दिया ना सर गलत माना तुमने, अगर एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे आएगा, डायरेक्शन क्या है बच्चों, माइनस साइन क्या दिखाता है, डायरेक्शन क्या है अपोजिट, कह दिया ना मैंने इसका मतलब मैंने गलत माना है, बट उससे तुम्हारे आंसर पर असर पड़ेगा नहीं, जब इसका इक्वेशन लिखोगे क्या लिखोगे, इसका नेटवर्क किधर होगा नीचे, और इसका भी क्या होगा नीचे, जब दोनों पर लगाओगे ना वैल्यू इधर की सेम आंसर आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, अरे अरे बात समझ में कोई कंफ्यूजन नहीं, चलो एक और करो, इस बार अगर नहीं होना चाहिए अरे बताओ भाई ये ब्लॉक किधर जाएगा, नीचे आएगा, ये किधर जाएगा, ये भी नीचे मान लेते हैं, ये किधर जाएगा, ये भी नीचे मान लेते हैं, इसको ऊपर कर दो, सारे नीचे जाएंगे रस्सी रहेगी बचेगी, हाँ सर ये नीचे ऊपर बीच वाला नीचे रेस्ट में बीच वाला क्या तेज बोलो क्यों नहीं जाएगा थोड़ी है वो ऊपर वाली नहीं, मैंने दो रॉड लगाई है ना, ये पुली बच्चों दोनों फिक्स है, ये वाली पुली क्या है आपकी मूवमेंट, ये तो रस्सी पर ऐसे रखी है ठीक है ना, ऐसे ये वाली पुली क्या है मूवमेंट, क्या दिक्कत है बोलो करो क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं नीचे ही मान दो इसको, नहीं तो अरे कुछ भी मान सकते सर आपको हसी रहेगी नहीं वैसे, बट फिर भी इसमें एक निगेटिव टर्म आएगा और जो डायरेक्शन भी गलत मानेंगे सर, कॉमन सेंस से क्या होगा, कॉमन सेंस से क्या होगा क्या कुछ कह ही नहीं सकते ना, कह ही नहीं सकते, मैंने माफ तो दे रहे बाकी सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल, अरे भाई एक ही स्ट्रिंग है आगे ना होगा आगे का यार बताओ, एक से इनमें एक से इक्वल टू a1 a2 है यहां पर, हां यहां पर a1 a2 है डिफरेंट के पे, हां
ऐसे की जगह ए वन हो जाएगा ना। हाँ क्या बोला है बताओ। सही सही लग रहा है मुझे वैसे। हाँ ये अच्छी आ रहा है। हाँ सब तुम तो बहुत एक लाइन एक दिन बहुत मेहनत की इसको बताओ। बाकी सबका हमारा ये आ रहा है ये नहीं अभी तक। ऑनलाइन वाले बच्चों किसी का आया अरे कोई बात नहीं तुम तो अपना करो ना। अरे ये करो ना कभी आज प्रिपेयर करके क्वेश्चन करो ना अलग अपना अलग क्वेश्चन बना रही हूँ। अच्छा ये सुन हिंट दे रहा हूँ। ये जो A2 है सुन लो अगर A2 जिस एक्सेलरेशन से जाएगा नीचे उसी एक्सेलरेशन से पुली भी नीचे जाएगी ना यार। क्या डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है बच्चों तो इस पुली के वाले पॉइंट्स का भी एक्सेलरेशन क्या होगा A2 ही होगा। अरे यार ये बात समझ नहीं आ रही। अब तो सॉल्व हो जाएगा देखो। अब सारे पॉइंट्स लिख लो। अरे ये पॉइंट भी कितना जा रहा होगा नीचे ये वाला पॉइंट भी नीचे। अब तो हो जाएगा कितना गया वही आ रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ अभी तो हो गया होगा ना। यहाँ से शुरुआत करते ना बच्चे एक ही तो स्पीड है। अरे एक ही तो स्पीड है ना मेरा ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पॉइंट ठीक है ना। ओके श्रेया बताओ ये पॉइंट किधर जा रहा है तो प्लस माइनस। अरे तो क्या होगा बताओ। प्लस होगा प्लस सेवन। हाँ ये पॉइंट जीरो जीरो होगा ये पॉइंट। हाँ और ये अरे ये पुली पर है ये ब्लॉक पर है ना। हाँ नीचे जा रहा है ना। अरे भाई ये नीचे आ रहा है ये पुली ऊपर टूट जाएगी। हाँ तो ये पॉइंट पुली पर ही है ना तो पुली अगर आपकी नीचे जा रही है एटीन से तो ये पॉइंट किधर जा रहा होगा तो क्या लिखोगे प्लस माइनस प्लस एटीन। ये पॉइंट क्यों अरे पर ये पॉइंट नीचे जा रहा है ये भी पुली पर है ये भी पुली पर है। हाँ तो क्या लिखोगे। हाँ पूछ रही बता रही। हाँ हो गया ना इस पर। अरे भाई जब ये पॉइंट नीचे जा रहा है बच्चों एक से तो ये पॉइंट भी निकल जाएगा नीचे तो जाएगा। अरे आ रही बात समझ में। अब बताओ हाँ चले यहाँ पर आ गए जीरो यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है ये वाला जीरो ये तो फिक्स रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। और ये किधर से आ रहा है ये तो ऊपर जा रहा है प्लस की माइनस माइनस क्या होगा माइनस से ऊपर जाएगी तो छोड़ी हाँ माइनस से इक्वल टू क्या होगा जीरो ठीक है ना। खुशी बात ज्यादा खास तो क्या होगा बच्चों ए थ्री कितना आ जाएगा देखो ए वन प्लस टू गलत था पार्ट तुम्हारा भाई जो मैं क्वेश्चन दूं तो वही करोगे अपना क्वेश्चन बनाओगे नहीं आपने मेरी डायरेक्शन दिया था ना मैंने तेरी डायरेक्शन चलो कोई बात नहीं करो। अरे ठीक है अगर सोचो इसको भी बच्चों क्या लेता है नीचे रिलेटेड तो अपन माइनस एट किया है ना। अरे आगे बात समझ में सुनिधि बहुत परेशान लग रही है आगे
अरे किधर ही हो सकता है नीचे इसका किधर माने ऊपर देखो फाइव रिलेशन बिटवीन ए वन ए टू ए थ्री ध्यान देना दो रस्सी है ना बच्चों तो क्या होगा दो रिलेशन एक तो ऊपर वाले स्टेट के लिए देखो अरे सगा मान लेना बच्चों ए बी मान लेना बी मान लेना इधर ही मान लेना भाई सब मतलब यही ना अरे क्या मान लेना ए बी बट ए बी को नहीं पता करना ए बी के लिए अपने ए बी को एलिमिनेट करना होगा ना ए बी तू मान ना करो भाई सॉल्व हाँ ये बीच वाली पुलिंग मूव करी ऊपर वाली लेफ्ट में अरे ऊपर वाले में रॉड लगा है ना भाई इस वाली पुलिंग का एक्सेलरेशन मान लेगा एपी जितने से ये ऊपर जाए इधर से तो ब्लॉक सकता है नहीं अगर ये ऊपर जा रहा है वन ये किधर जा रहा है नीचे हेडर पावर से ये तो डायरेक्टली करते हैं ये स्ट्रिंग वन के लिए लिखो फिर स्ट्रिंग टू के लिए लिखो देखो बच्चों स्ट्रिंग वन के लिए बताओ इक्वेशन यहाँ शुरुआत करें हाँ बताओ हाँ ये वाला हाँ ये प्लस एपी ए वन इक्वल टू क्या आ गया ए वन इक्वल टू जीरो आ गया ठीक है ओके ठीक है तुम बताओ दूसरे स्प्रिंग के लिए यहाँ से शुरुआत करो ये ऊपर जा रहा है नीचे तो प्लस की माइनस प्लस होगा ए टू बाद नहीं पीछे ये पॉइंट देखो पुली पर ही है पुली मूव कर रही है ना एक पीछे नीचे बताओ पुली नीचे जा रही है तो ये पॉइंट किधर जा रहा होगा नीचे पुली एबी से नहीं जा रही है पॉइंट बी एबी से नीचे जा रहा होगा तो क्या लिखोगे प्लस की माइनस माइनस तो लिखोगे नीचे जाएगा तो इसकी घटे बढ़ेगी नहीं
क्या लिखोगे? माइनस एपी हो गया एक स्ट्रेट पार्ट, यहाँ पर बताओ नीचे जा रहा है ना भाई, तो स्पीड से दूर जाओगे तब बढ़ता है, स्पीड की ओर जाओगे घटेगा नहीं। ये दस में मान लो इसको नीचे मूव करो क्या होगा, घटेगी क्या? तो क्या लिखोगे? माइनस एक। यहाँ पर भी क्या होगा? अरे यहाँ पर आ गए बताओ, ये माइनस एक थी, ये जीरो। अरे ये भी तो पुली पर है भाई, ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका माइनस ए थ्री इक्वल टू क्या होगा बच्चों? तो ए टू, ए टू माइनस टू ए पी इक्वल टू क्या आ गया? ए थ्री आ गया, या ए टू इक्वल टू टू ए पी प्लस ए थ्री। ए पी क्या बच्चों आपका? ए वन। ए टू कितना आ गया? टू ए वन प्लस अरे आ गया ना, इसे कितने का मैच किया था, इसी का मैच किया था पूरा जीरो यहाँ पर लिख लेना फॉर स्ट्रिंग टू, यहाँ पर लिख लेना बच्चों फॉर स्ट्रिंग टू, ठीक है। अरे स्ट्रिंग वन के लिए हो गया ना, उसके बाद क्या लिख लेना फाइनल रिजल्ट के बाद फॉर स्ट्रिंग। लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें अपने पास भूल लेना भाई कितने का राउंड है, ये ए है, ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला सर पूछा गया इस पर पेज, ये मैं सोच रहा था ऐसे करा रहा हूँ, सारे जेई के नहीं अगर इसका एक्सलेशन ए वन इधर हुआ बच्चों तो ये किधर मूव करेगा, अगर ये इधर मूव कर रहा है ये किधर मूव करेगा? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्यों? एक ही स्ट्रिंग है इसमें, अरे क्या है एक ही स्ट्रिंग है। और देखो किसका एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों इस पॉइंट का, किस पर है ये? ए पर एक नहीं है, अभी ए मूव कर रहा है ना, ये भी मूव करेगा, मूव करेगा किसका? ए वन। इसका क्या होगा, क्या होगा ए वन? इसका क्या होगा ए टू? इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? जीरो। अरे ये तो फिक्स है ना, अरे हो गया ना भाई,
आप तो कर लो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी आपको पता है अभी। अरे ठीक है, अलग से अपना क्वेश्चन मत बनाना, ये कर लो। आ गया भाई, जो अगर स्ट्रिंग ले तो बढ़ा रहा होगा, निगेटिव बढ़ा रहा होगा, अरे भाई की राइट मूव करेगा, ये राइट मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, स्ट्रिंग से दूर जा रहा है तो बढ़ा रहा होगा, स्ट्रिंग की ओर आएगा घटा रहा होगा, जैसी बात। अरे भाई स्ट्रिंग से दूर जाओगे तो खींचोगे ना स्ट्रिंग को, आगे आ गया होगा। ऑनलाइन में किसी बच्चे का, प्रियांश यार तुम तो बताओ, अरे किसी का यार, अरे बताओ तो नाम काम नहीं काट उतर, बताओ तो मिस कर रही हूँ। अच्छा ये बात बताओ, यहाँ ये इसको एक्सेलरेशन क्या लिया है, जीरो क्यों होगा, अरे रॉक बी पर है ना, हाँ ये कह रहे हैं, कुछ मिस कर रहे हो, अभी करो सिक्स सेवन इज माइनस फाइव एट तुम्हारा आया तो नहीं है, बताओ आयलैंड वाले बताओ, यहाँ से कहाँ शुरुआत करें, कहाँ से, यहाँ वाले से, यहाँ से बात करते हो, यहाँ शुरुआत करते हैं, ठीक है, ये बताओ किस किस ब्लॉक पर आई, बी पर है, तो जितनी स्पीड में बी से आएगा एक्सप्रेशन बी का होगा, वही एक्सप्रेशन पॉइंट का भी होगा, अब बताओ दूर जा रहा है स्टेप के पास आ रहा है, दूर जा रहा है तो प्लस की माइनस की, प्लस वेरी गुड, कितना वेरी गुड प्लस 8, इस पॉइंट पर आओ, ये पॉइंट किस पर है, किस ए से डायरेक्ट किस से ना, जितने एक्सप्रेशन से ये ए ब्लॉक जा रहा होगा उतने एक्सप्रेशन से ये पॉइंट भी जा रहा होगा, किसने की ओर जा रहा है कि दूर, माइनस से प्लस, वेरी गुड, प्लस क्या लिखोगे, माइनस, वेरी गुड,
ये पॉइंट माइनस सेवन से क्या होगा माइनस अरे डायरेक्ट ये पॉइंट बच्चों क्या है प्लस एक वेरी गुड अरे तू तो बता रहे यार ये बताओ सेम ही है ना यार अरे जब ऊपर वाला हो गया सेम है ना ये वाला माइनस वेरी गुड ये वाला माइनस वेरी गुड ये वाला माइनस एक ये क्या होगा और क्या होगा लास्ट वाला इक्वल टू क्या होगा अब काउंट कर लो ए टू वाले कितने एक दो तीन चार पांच फाइव ए टू ए वन वाले कितने एक दो तीन चार बस फोर ए वन इक्वल टू पहले ओरली कैसे किया था अरे सोचो ओरली मैंने किया था ना कैसे किया था मुझे आंसर याद नहीं था एक दो तीन चार कितना आ गया फोर एवन से घट रहा है एक दो तीन चार पांच फाइव अरे हो गया ना आया भाई क्वेश्चन तो घर पे आएगा फिर से करना ठीक है अरे यार ये बात समझ में तो फील आ जाएगा ओके एक आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ठीक है कभी कभी ब्लॉक्स जो है आपका देखो इसमें सारे स्ट्रिंग के अलावा मूव कर रहे हैं अरे ठीक है कभी कभी बच्चों मूव नहीं करते स्ट्रिंग के अलावा ये आपकी बहुत सीधे क्वेश्चन है मॉड्यूल का मान लो प्रश्न को बच्चों की स्पीड से खींच रहे हैं और ये कुछ ऐसा है ये वर्टिकल से कितना बना रहा है थीटा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों पॉइंट वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी मतलब वी है वी इज इक्वल टू बी ऑफ थीटा के नंबर पॉइंट वेलोसिटी या प्लॉट एम देखो पॉइंट वेलोसिटी या प्लॉट एम लॉग हैविंग मास क्या ये इसका क्वेश्चन है प्रॉब्लम का ध्यान देना कि आगे की यूज होगा आपका ठीक है ठीक है बताओ बच्चों कैसे करोगे इसमें तो डायरेक्ट है नहीं पहली बात बताओ ये ब्लॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा हॉरिजॉन्टल जाएगा वर्टिकल जाएगा खींचोगे पहले जमीन पर इसमें आएगा भाई जमीन पर अभी जमीन पर है ना तभी किधर जा रहा है फ्यूचर की बात नहीं कर रहे अभी जमीन पर रखा है तो जा रहा है बाद में क्या जाएगा सर बाद में थोड़ी पूछा है फाइनली का मतलब क्या हुआ फाइनली क्या मतलब है जवाब उसके साथ बाद में क्या हो रहा है जिस पॉइंट पे खींच रहे हैं कितना जा रहा है नहीं बोल सकते ये थीटा हुआ तो एंगल कितना हुआ गया स्ट्रिंग के लॉन्ग कंपोनेंट कितना होगा क्या होगा बी डैश का स्ट्रिंग के लॉन्ग कंपोनेंट कितना होगा
b डैश cos 90 माइनस, अरे इतना ही होगा ना भाई, b ये से कितना बना रहा है स्क्रीन से 90 माइनस थीटा, फिर जा रहे हैं कंपोनेंट कितना होगा b डैश cos 90 माइनस थीटा, घटा रहा है कि बढ़ा रहा है इसके लिए घटा रहा है स्ट्रिंग की ओर है ना, क्या लिखोगे माइनस, ये पॉइंट कितना है फिक्स है ना, क्या है ये पॉइंट, ये पॉइंट देखो ये वाला है, ये दूर जा रहा है ना बच्चों, क्या जा रहा है बी, क्या जाएगा बच्चों सर बी डैश, क्या जाएगा बी डैश साइन थीटा, या बी डैश क्या जाएगा बी बाई, देखो ऑप्शन में दे रखा होगा, अरे आ जाए नहीं आ गया, अच्छा सब सुन एक तुमको एक बहुत ही अच्छा चीज पूछ रहा हूँ, मान लो बच्चों कभी ने देखो मशीन से पट्टे से चलता है, ऐसे करो ऐसे सोच लो, मान लो इसको मैं घुमा रहा हूँ इस रस्सी को, तो ये लपेट रही है, क्या कर रही है लपेट रही है, किस वेलोसिटी से लपेट रही है, 2 मीटर प्रति सेकंड से लपेट रही है, ये मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड और ये एंगल कितना है, अभी देखो क्या स्प्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है क्या, नहीं अभी स्प्रिंग की लेंथ घट रही है, किससे घट रही है 2 मीटर प्रति सेकंड से घट रही है, तो वी नेट क्या होगा बच्चों, वी नेट अलोंग द स्ट्रिंग, अरे क्या होगा बच्चों -2 मीटर पर ये होगा, इसकी वजह से मूव करें मूव करें बच्चों, तो क्या लिखोगे ये 53 है, ये कितना होगा, इसको ये पूछा गया है, अरे ये मान लो भी है बच्चों ठीक है, तो भी कितना होगा, ये कितना एंगल है 37, तो कितना होगा ये cos 37, अरे बोल दो जितना एंगल उतना cos, cos 37 प्लस का माइनस का, माइनस का ना, क्यों माइनस का, स्ट्रिंग क्यों रिमूव कर रहा है, ये किसके बराबर होगा बच्चों माइनस, ये स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो रही है कम हो रही है, अरे भाई तभी तो माइनस लिखोगे, अगर माइनस नहीं निकलते तो यहाँ पर क्या होता, वी निगेटिव में आ जाता ना बच्चों, अभी माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट, तो बी इनटू क्या हो गया cos 37 क्या होता है 2.5 इक्वल टू 2, तो बी कितना आ जाएगा बच्चों 2.5, जिसको डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो नहीं कर पाएगा, एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं तो मतलब कुछ मुझे याद आ रहा है, मिला नहीं था दोबारा, ठीक है लिख लिया।
ठीक है, आज से खत्म कर देंगे, ठीक है, आज का कुछ कल कर देंगे उसका, इस बार रिसर्च करेंगे से डाउट उसके बाद, ठीक है, वो बाकी सारे डाउट करने होंगे आपको करके आना, नहीं तो अगली क्लास में नहीं बैठे सकते किसी तो ऑनलाइन है तो बच जाओ। अरे ठीक है भाई, मेरे को पीछे चल रहा है, मैंने इसको बहुत स्लो पढ़ाया है, आज अगली क्लास में करके मुझे पढ़ाएंगे, क्योंकि ये नहीं आएगा फिर आगे वाले में भी चैप्टर्स में डाउट आएगा। हो गया ठीक है, देखो बच्चों अब इस वक्त बेस तुमको क्वेश्चंस तो नहीं कर रहे ना मेरे, अरे क्वेश्चंस नहीं कर रहे ना बच्चों, अब इसका डायग्राम बनाओ, फिर से डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम कस्टमर रिलेशन आ गया ना, कस्टमर रिलेशन तुमको नहीं निकालना है, कस्टमर रिलेशन पता है तुमको, ठीक है, मान लो बच्चों ये कितने का है, ये 10 किलो का है, और ये कितने का है, कितने का नहीं आयर भाई बताओ, 100 किलो का नहीं आया, कितने फोर्स से खींचे, 100 हमारे हमारे ख्याल बहुत मिलते हैं, 100 न्यूटन के फोर्स से इसको खींच रहे हैं, ठीक है, अरे हरी बात समझ ठीक है, तो आपको बच्चों क्या बताना है, फाइंड टेंशन इन स्प्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, टेंशन की दिख रहा है ना, फाइंड टेंशन इन द स्प्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, देखो बच्चों यहाँ पर देखो 5 kg के बीडी बना, मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्स से ही मतलब है ना, 5 kg पर इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, 100, इधर कितना लगेगा, ये नहीं है यहाँ पर, ये इसको टी लग गया, यहाँ भी टी होगा ना, सेम द सेम, अच्छा यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, सोचो इधर कितना लग रहा होगा, टूटी पूरी मास पे है ना, नेट फोर्स पर 0 बताया था ना, इधर कितना लग रहा होगा, इस पुली पर इधर 2t लग रहा होगा, यहाँ पर कितना लग रहा होगा, 2t किधर लग रहा होगा, राइट, ये रस्सी किधर है, पर लेफ्ट, किधर लग रहा होगा, लेफ्ट, तो इधर कितना लगा 2t, लेफ्ट, और इधर भी कितना लगा 2t, अरे किधर लगेगा बच्चों, टूटी दला किधर भी कितना लगेगा, टूटी, अरे कितना लगेगा बच्चों, लेफ्ट लगा ना, कुल मिलाकर कितना लगा टेंशन, अरे टी इधर, टूटी इधर और टूटी इधर, कितना लगा बच्चों, कुल मिलाकर 5, कितना लगा 5 t, तो क्या लिखोगे, 100 - mass = कितना है, 5 into a नहीं है, अभी दोनों का एक्सप्रेशन सेम नहीं है, इसका एक्सप्रेशन क्या बना था बच्चों, a2 बना था ना, अरे a2 वाला तो नहीं बना था बच्चों, इस पर बताओ बताओ रिश्ता कितना टेंशन लग रहा है, 10 kg वाले यहाँ पर टी होगा ना, यहाँ पर भी टी होगा, इसका कितना होगा, 2t, और इस पर कितना होगा, यहाँ पर हाँ टूटी होगा, तो कुल कितना लगा, कितना लगा भाई, 40, तो 10 kg वाले पर कितना लग रहा है बच्चों, 40 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 10 into a1, अभी भी ये सॉल्व नहीं होगा,
इसके लिए तुम क्या देंगे? तीसरा रिलेशन देंगे नहीं किए बच्चों, कौन सा रिलेशन होगा तीसरा? रेवन इक्वल टू नहीं, क्या था वो? रेवन इक्वल टू तीन इक्वेशन तीन रिलेशन बच्चों हो जाएंगे, हो जाएगा सॉल्व। अरे तीन रिलेशन तीन वेरिएबल हो जाएगा ना। तो अगर ऐसा सवाल आता तो हम लोग तरह के लिख देते केवल इक्वल टू इक्वल साथ साथ मूव कर रहे हैं, अरे लिख देते ना भाई, पर साथ साथ मूव नहीं कर रहे हैं दोनों का एक्सप्रेशन से, नहीं सिंगल रस्सी से जोड़ते तो साथ साथ मूव करते, मतलब एक ही धागे से एक ही रास्ते में जोड़ते। अरे कर लोगे? बीडी बना लेना वो जो वाला वाइटी और फोर्टी बना लिया क्वेश्चन कितना हो गया रिटोरिकल क्वेश्चन था टाइम नहीं कितना। अरे ठीक है ओके, इस देखो बच्चों ये हो गया, अरे ये इसका कंस्ट्रेंट रिलेशन आ गया था ना बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अगर मान लो मैं मासेस देता है यहाँ पर, अरे ठीक है बच्चों देखो तुमको एक बताया था ना, अगर ए वन इक्वल टू ए टू नहीं है तुमको एक एक्स्ट्रा रिलेशन चाहिए होगा, अरे चाहिए होगा ना बच्चों। यहाँ भी देखो इसका मास क्या ले लेते हैं बताओ, क्या ले लेंगे? फोर। इसका क्या ले लेंगे? सिक्स। और इसका क्या ले लेंगे? तो बच्चों आप सोचो यहाँ पर टेंशन क्या, मान लो यहाँ पर टेंशन टी, तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा? यहाँ पर टेंशन टी है तो यहाँ पर कितना होगा? टी नहीं होगा, टी बाई टू होगा। अरे भाई टी बाई टू यहाँ पर, टी बाई टू यहाँ पर, पुली पर देखना, पुली पर टेंशन ऊपर लग रहा है ना टी, ये कह रहे ना, तो नीचे इधर कितना लग रहा है? टी बाई टू, और इधर कितना लगेगा? टी बाई टू। अरे तभी तो बैलेंस होंगे ना यार, नीचे टी ऊपर भी टी, तो कितना लगेगा यहाँ पर? टी बाई टू। अरे ठीक है बच्चो, यहाँ पर टी मानता है क्या हो गया, यहाँ पर टू टी हो जाता था, ठीक है। तो बताओ 4 kg के लिए तुमने एक्सप्रेशन किधर माना है? ऊपर। तो क्या लिखोगे इक्वेशन? t बोलो, t t t इक्वल टू t माइनस 4 t, और नीचे है ना ग्रेविटी, इक्वल टू क्या होगा? 4 t। अरे अभी ये नहीं है, तो वैसे ही बहुत पढ़ता है तो उसको ऐसे परेशान कर रही है। 6 केजी के लिए क्या लिखोगे बताओ, किधर जा रहा है? 6 जी माइनस टी बाई टू इक्वल टू टी, और इसके लिए क्या लिखोगे आप? ऊपर जा रहा है टी बाई टू माइनस इक्वल टू क्या होगा? और रिलेशन क्या है सेवन एट बाई थ्री में? ए टू इक्वल टू, अरे यही आया ना बच्चों ए टू, अरे एक आया हुआ ना, एक सेवन भी था प्लस टू ए, अरे हो गया ना बच्चों। देखो कितने वेरिएबल है, ए वन ए टू ए थ्री और टी, चार वेरिएबल है, चार हमारे पास रिलेशन आ गए, ठीक है लिख लो इसको। कितना हो गया जल्दी करो, जल्दी करो।
सोच रहे होते हो मैं खड़ा हूँ और मैं चिल्ला रहा हूँ दो घंटे से हमें कदम में पैसे मिलते मेरे ड्राइवर फिर भी इंसान ही है मैं रोज सब कुछ 6 घंटे बोलता हूँ मेरे मम्मी सही है इस वजह से इनको 6 घंटे बोलना है हो गया हाँ मुझे वीडियो की रिकॉर्ड करनी होती है तो मैं 4 घंटे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और यहाँ पर 3 घंटे बात कर ली 7 घंटे बोलता हो गया एबीडी बना लेना जरूर अटेंशन इसी में दिखा देना नहीं दिखाया अटेंशन उसी में दिखा देना नहीं तो पी वाई टू कहां से है समझ नहीं रह पाओगे ओके दिखाया तो कल उसी की होगी एरो एरो भी लगा देंगे इधर भी पी वाई टू पूछो बहुत अच्छी है ठीक है ये सारे बच्चों फिर से आगे करना घर पर ठीक है ऐसा देख करके नहीं कि तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है अगर मान लो कुछ भी थोड़ा डाउन आता है ठीक है रिफर कर लेना ठीक है हो गया अरे हो गया ना बच्चों ठीक है अच्छा क्या तुमको लगता है मैं अंश को उठा सकता हूँ हाँ उठा सकता हूँ तो अब तुमको खतरे के लिए हो गया देख मैं तुमको नहीं वास्तव में सोचो मैं बता रहा हूँ कैसे उठा सकता हूँ मान लो मैक्सिमम मान लो मैं 20 किलो उठा सकता हूँ मान लो ये 100 किलो है मतलब है अब मैं 100 किलो कैसे उठाऊंगा नहीं आप इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ लो पुली वास्तव में बहुत यूजफुल है बच्चों कितना होगा 200 ऊपर 200 और इधर तो नीचे कितना होगा तो यहाँ पर कितना होगा अरे बता के देख ले करो काफी कंफ्यूजन है भाई पुलिस पर नेटवर्क कितना होता है 0 अरे आगे जाओ समझ में
यहाँ पर 200 400 यहाँ पर भी कितना होगा बच्चा 200 यहाँ पर भी कितना होगा 200 कितना होगा यहाँ पर सिंगल रस्सी यहाँ पर कितना होगा तो कितना लगा 400 400 200 कितना लगा आउटसाइड लगा मैंने कितना लगाया और लगा इस पर कितना ठीक है ना अरे 5 4 लगा एक गुली और लगा दो और बढ़ जाएगा तो इसको अड़तालीस प्राप्त करने का उत्तर ये उठा देता हूँ ना इसका एक परिवर्तन करता है डीटी वगैरह को देखना मिल जाएगा इसको मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं कितना कितना बड़ा एडवांटेज है मैकेनिकल एडवांटेज से अगर आप टेंथ में बुक आती है तो एनसीटी की उसमें आता है मैंने लगाया कितना 200 अप्लाई कितना हुआ ऊपर कितना मैकेनिकल एडवांटेज हुआ 5 अरे हुआ था ठीक है अब बताओ मान लो अभी क्या लेंगे बच्चों 80 kg की बॉडी ले ले तो अभी ये ऊपर लेनी खाएगी ऊपर अरे जाएगी ना ऊपर कितना ठीक है बताओ इसे एक्सेलरेशन कितना होगा अरे लिखो तो एफिनिटी पर में लिख लो ऊपर कितना लग रहा है बच्चों 1000 न्यूटन लग रहा नहीं लग रहा और नीचे कितना लग रहा है 80 g मतलब क्या हो गया 800 मास कितना है बच्चों 80 एफिनिटी कितना होगा 1000 माइनस इक्वल टू मास इनटू कितना होगा 200 इक्वल टू 88 ये कितना होगा 2. अरे आ गया ना अरे आ रही बात समझ इसका मैंने यूज किया प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे यहाँ सबल सकल की गाली आ रही है ठीक है ना अब सारे लोग ऐसे क्वेश्चन लगा रहे थे फोन ठीक है हाथ से मैंने कहा रस्सी लगाओ एक ऊपर रहता था पूरी मतलब पूरी टाइप में तो उससे बीम है मैंने उसमें क्या किया रस्सी लगाई अब बहुत ही आराम से होना चाहिए नेक्स्ट मैं तुमको बता रहा हूँ ऐसे दो लाइन थे सारे लोग ऐसे खड़े थे नीचे 40 to 50 kg होती है पर दूसरा वे कम से कम आपका कम से कम 60-70 kg रहा होगा ठीक है उसे पकड़ने की जगह भी नहीं हो गया अरे हो गया ना बच्चों आज लग रहा है आई थिंक इट इज क्लियर हाँ अरे 200 200 इधर तो नीचे कितना लग रहा होगा 400 इसमें ये वाले में यहाँ पर एक ही रस्सी है ना पुली थोड़ी है यहाँ पर पुली था देखो इस रस्सी में 200 है ना यहाँ पर कितना होगा ये तो इससे जुड़ा हुआ है ना यहाँ पर कितना होगा चार अरे ठीक है इसका एक वीडियो यूट्यूब पर वहां पर एक टीचर था बैठ गया था तो सिंगल मान लो उसने रस्सी लगाई ठीक है तो कोई नहीं खिलाफ है कोई स्टूडेंट जब दो पुली लगा दी तो क्या हो गया आसानी से ठीक है ये क्या बच्चों मैकेनिकल एडवांटेज है
हो गया ठीक है। फिर डालो बच्चों वेज कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट आखिरी आज का वेज कंस्ट्रेंट ठीक है। सारे मारुति चलेगा इसलिए लिखा हुआ है। अरे चार की शुरुआत हुई, तीन हुए फिर दो हुए फिर ठीक है। वेज कंस्ट्रेंट देखो बच्चों, वेज कंस्ट्रेंट सिंपल सा है। देखो बच्चों ये बता रहा था ना, ये वेज कंस्ट्रेंट है। ए और बी साथ मूव करेंगे, कॉन्टैक्ट में रहेंगे, साथ मूव करेंगे मतलब कॉन्टैक्ट में रहेंगे। जब ये कॉन्टैक्ट सरफेस देख रहे हो ना, इसके परपेंडिकुलर बच्चों जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब एक्सेलरेशन कंपोनेंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट का भी कंपोनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा ठीक है ना। लिख लो, फॉर बॉडीज टू बी इन कॉन्टैक्ट, फॉर बॉडीज टू बी कॉन्टैक्ट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस मस्ट बी सेम। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी स्पेस में वो भी आगे इंक्लूडेड है ठीक है। अरे आगे बात समझ में ठीक है। अब दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। बस देखो मान लो बच्चे एक वेज है, ये क्या है थीटा है ठीक है। अब देखो एक ऐसे में हमने सपोर्ट ले लिया बच्चों, वर्टिकल सपोर्ट ले लिया ये आपका रॉड दिख रहा है ना, रॉड आपका। अब वर्टिकल सपोर्ट क्यों है, क्योंकि ये नीचे ही जा रही थी, वर्टिकली मूव कर रही थी ठीक है। और ये वाले बच्चों हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, ये मान लो A1 किधर जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये किधर जाएगा बच्चों, इधर जाएगा ना, मेंटेन कर पा रहे हो। अरे इसको नीचे दबाओगे तो किधर जाएगा, इधर ही तो जाएगा। मान लो A2 से इधर जा रहा है ठीक है, वो आपका सपोर्ट क्यों लगाया गया है। अगर सपोर्ट नहीं लगाते तो गिर जाते, नहीं गिर जाते बच्चों। सपोर्ट क्या कर रहा है, उसको वर्टिकल ही मूव करने दे रहा है, वो सिर्फ नीचे ही मूव कर सकती है। और ये किधर मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टल ठीक है। देखो फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। अरे बहुत मुश्किल है, चलो चलो मैं लोगों के फीलिंग्स के बारे में बोलूं, बस तुम गुस्सा होकर भी क्या करोगे, वो तो बना रहे हो। नहीं अगर सोचो इमेजिन करो, रॉड मैंने ऐसे लगा दी, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है तो जब ये नीचे आएगा तो ये इयररिंग में नहीं जाएगा। वास्तव में सोचो तो ये इस पर नॉर्मल लगा रहा, नहीं लगा रहा होगा ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर वेज पर, अरे लगा रहा होगा ना। इस नॉर्मल का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा, अरे आई नहीं आएगा जो उसको मूव करा रहा होगा। अरे ठीक है भाई, वो लग रहा होगा ना, तभी तुम क्वेश्चन हो रही हो। अब कॉन्टैक्ट सरफेस कहते हैं ना बच्चों, किसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, सेम होगा नहीं होगा, तो बताओ। A1 बच्चों क्या है आपका, ऐसे नहीं है। ये एंगल क्या है बताओ, थीटा। अरे ये थीटा, ये भी क्या होगा थीटा। ये 90, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। पर मुझे अलोंग कंपोनेंट नहीं लेना, मुझे परपेंडिकुलर लेना था। ये थीटा देखिए कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा थीटा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, A1 और थीटा। A2 इधर है नहीं, इधर है बच्चों, ये कितना है बच्चों, तो
ए टू कंपोनेंट क्या होगा परपेंडिकुलर ए टू कॉस 90 माइनस थीटा और ए वन कितना है बच्चों ए वन कॉस थीटा अरे याद नहीं है ए टू साइन थीटा किससे बराबर होगा ए वन कॉस थीटा हो गया बराबर ठीक है अंश भाई क्या होगा अरे हो गया सर ठीक है लिख लिया अच्छा अगला बताना तुम लोग ठीक है ये ऑरली बता सकते हो अगर बच्चों मैंने अभी कुछ सपोर्ट है कुछ ऐसे कर दिया सपोर्ट को ऐसे कर दिया अभी जो रॉड है ना मेरे अभी रॉड मेरी इसके परपेंडिकुलर ही मूव कर सकती है ठीक है ना अभी रॉड कैसे मूव करेगी अभी क्या होगा रिलेशन बिटवीन ए1 और ए2 देयर क्वेश्चन लिखना अभी रॉड कैसे मूव कर सकती है ए के परपेंडिकुलर ही मूव कर सकती है फाइंड रिलेशन बिटवीन ए1 एंड ए2 बेस पर सिर्फ तो शायद कोई क्वेश्चन मिलेगा सोचो फ्रिक्शन कुछ क्वेश्चन पर फ्रिक्शन के लिए मैं फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन बार बार कराऊंगा मुझे फ्रिक्शन आपको अलग पढ़ाऊंगा अलग हम जाकर रखेंगे ठीक है एंड कोर दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा चल रही रहेगा दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा तो वाले लोग सर्च करेंगे हाँ वर्किंग में हम वर्किंग में भी सुना है तो अरे तो पहले ही हो गया था एवन इक्वल टू क्या ये जो क्वेश्चन करके आएगा उसको दस रुपए का इनाम मैं दस में दूंगा दस रुपए उनको विश्वास नहीं है सर 20 रुपए हो गए ठीक है उधार आए लोग मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ये कैसे मूव कर रहा है बच्चों 20 मीटर पर सेकंड से ठीक है फाइंड वेलोसिटी ऑफ लॉ
जो भी क्वेश्चन कर लेगा समझ लेना डी एडवांस पर देख लेना। ध्यान देना इसमें दो कॉन्टैक्ट दो सर्विसेज कॉन्टैक्ट में तो दो वेज पर प्रिंट कर देंगे दो कंपनी टाइम लाउस दिए होंगे ये सोचो कह रहा हूँ मुझसे कर लेगा ठीक है तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया तो इसके हिसाब से अभी परीक्षण है हमारा ठीक है परीक्षण भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी ठीक है आगे चैप्टर्स में भी रोल प्ले करने का मिलता तो परीक्षण को अलग से पढ़ेंगे ठीक है आपको लगेगा कि अगर परीक्षण को इसमें नोट कर पे एकदम समझ में आता नहीं हो गया डाउट है किसी को नहीं इंटर ठीक है देखो फिर भाई मुझे